जी अस्सलाम वालेकुम, वली ऑटोमोटिव सर्विस में खुशामदीद। आज हमारे पास वैगन आर है सुजुकी की और ये लाइट ब्लिंक कर रही है, ठीक है। हम आज इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे कि आउटल के हम 100 से, ठीक है। और ये आपको बताएंगे ये ऑफलाइन है, ऑफलाइन मतलब आपका इंटरनेट नहीं है। ये आपकी स्विफ्ट भी बन जाती है इसमें ऑफलाइन में, पुरानी स्विफ्ट जो 2019 तक आई है, और वैगन आर, ठीक है, ये 46 है और ये बगैर आपके इंटरनेट के बन सकती है, बगैर ऑनलाइन, ठीक है। ये अब ऑफलाइन हम बना रहे हैं, इंटरनेट नहीं है, VCI हमारा कनेक्ट है, ठीक है। और मोबिलाइजर में जाएंगे, यहाँ पे सुजुकी कवर कर लिखेंगे SUZUKI, सुजुकी पे क्लिक किया, मैनुअल सिलेक्शन पे जाएंगे, हम अदर्स पे जाएंगे और यहाँ पे आप वैगन आर देखना है, अपने वैगन आर किधर है, ये वैगन आर आ गई हमारी, यस करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगी, सॉरी आगे यहाँ पे हॉट फंक्शन में जाएंगे, ठीक है। हॉट फंक्शन में यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगी, ठीक है। कम्युनिकेशन स्टेटस देखेगी, ये देखें हमारी लाइट अभी भी ब्लिंक कर रही है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगी, पैंतीस से 40 सेकंड शायद ये टाइम लेती है। उसके बाद की लर्निंग आ गया आपका, ठीक है। यहाँ पे क्लिक किया, अब स्टार्ट करेंगे ऑटोमेटिक, इसको रिन जो है रीड राइट खुद ही करेगी सारा, ठीक है। पुरानी चाबियाँ रेज भी करेगी, की लर्निंग भी करेगी, सब कुछ ये करेगी, इसी में आपका वो सारा कुछ जो इसका पिन है वो भी वेरीफाई करेगी, पिन रीड भी करेगी, कैलकुलेट भी करेगी, और पुरानी चाबियाँ रेज भी करेगी और नई चाबी लर्न भी करेगी। जब स्टार्ट पे हम क्लिक करते हैं इसको, ओके किया, 4 डिजिट ऑटोमेटिक वो उठाए, ठीक है जी, ओके किया। यहाँ पे 5 से 10 मिनट वो कह रहा है, हम ओके करेंगे, वेट करेंगे यहाँ पे, पर ये 5-10 मिनट लेती तो नहीं है, पर एक शायद मिनट ले ले, ये 1 से 1.5 मिनट। ये देखें अभी भी ब्लिंक कर रही है, ठीक है। यहाँ पे कम्युनिकेशन स्टेटस देख रही है अभी भी, ये आप इसका ले सकते हैं, तस्वीर भी ले सकते हैं या लेके पास रख लें, ये इसकी आईडी है, ठीक है, 4 डिजिट की, ठीक है। इसने 8 जो डिजिट हैं उसको कैलकुलेट खुद ही पिन बना के वो हमारे सामने रख दी है। अब इसकी पिक्चर भी ले सकते हैं, ठीक है, हम ओके करते हैं, आगे वो रेज भी कर दी उसने, ठीक है, और की लर्निंग शुरू स्टार्ट कर दी, ठीक है। और एक चीज़ हमारी बन गई है जी, ठीक है, ये हमारी बन गई है और ये देखें लाइट हमारी वो स्टिल हो गई है, ठीक है। और हमने एक और बनानी है, हमारे पास एक और दूसरी भी है चाबी पड़ी हुई, ठीक है, हम दूसरी भी बनाएंगे, यस हम यस करेंगे इसको, हमने लर्न किया, ठीक है। वो कह रहा है आप अगर बनाना चाहते हैं तो यस करें, यस किया हमने। अब वो कह रहा है सिलेंडर इसमें से चाबी बाहर निकालें, चाबी हमने बाहर निकाल दी है, ठीक है, ये हमने निकाल दी है। अब दूसरी चाबी लगाएंगे, ऊपर लगाओ, ठीक है, ये लर्न ब्लिंक कर रही है, आ जाएँ इस तरफ। अब हम इसको ओके कर दिया हमने, ठीक है, ठीक है। आपको कहते हैं और आपने बनानी है तो आप यस करेंगे, हमने बस दो ही बनानी है, ठीक है, पिछली चाबी इसने रेस कर दी है, अब हम नो करेंगे और ये लर्निंग कंप्लीट हो गई है, ठीक है। ये सिंपल है, आपका ये ऑफलाइन बन सकती है 46 ये वैगन आर है और इसकी जो पुरानी स्विफ्ट है 2019 तक उसकी बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपकी आउटल कवर कर सकता है, ठीक है, बगैर आपके पास इंटरनेट नहीं है कोई मसला नहीं, आपकी ये बना देगा, ठीक है। अब हम इसे बैक पे चले जाते हैं और ये गाड़ी आपको ये देखें, गाड़ी स्टार्ट करके चेक करवाते हैं, ठीक हो गया जी। अब दूसरी चाबी हम करते हैं, ये एक शादी होगी और ये ठीक हो गया जी।